नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ इस बार चुनाव में जो खड़े होने वाले प्रतिनिधि हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए, महीनों पहले से जुटे हुए हैं। आप उनको अलग अलग सामाजिक कार्यों में दिख जाएंगे। जो भी तमाम, वो चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हो या धार्मिक त्यौहार हो, वो सोशल मीडिया के जरिए शुभकामना देते हुए दिख जा रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य में दिख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। खैर, बता दें कि इस बीच जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा गाइडलाइन जारी किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि इस बार का पंचायत चुनाव अपने आप में खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आपको पता होगा कि तमाम सियासी पार्टियां कह चुकी हैं कि भले ही इस चुनाव में, यानी पंचायत चुनाव में, उसका झंडा नहीं होगा, उसकी पार्टी का निशान नहीं होगा, लेकिन जो उस पार्टी का कार्यकर्ता होगा उसको जिताने के लिए पार्टी जो है वो पूरी तरीके से रणनीति बना रही है। उस पर काम भी हो रहा है कि बीजेपी के अगर लोग हैं वो चाहेंगे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस चुनाव में जीते। आपको याद होगा बीजेपी जब कार्यकर्ता मिलन समारोह किया था, उस वक्त भूपेंद्र यादव जो बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर कहा था कि इस बार बीजेपी भले ही अपने टिकट पे अपने प्रत्याशी को ना उतार रही हो, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को फुली सपोर्ट करेगी। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आप अपने लोगों को पंचायत में जिताइए, क्योंकि आपको पता होगा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी जेडीयू और राजद के बीच में कड़ा मुकाबला है। और कहने की अपने कार्यकर्ताओं, क्योंकि आपको पता होगा पंचायत चुनाव में जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, इनकी अपनी एक पकड़ होती है लोगों के ऊपर। इसलिए तमाम सियासी पार्टियां चाह रही हैं कि पंचायत लेवल पर, बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता मजबूत हों, और इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां चल रही हैं। और इसी को देखते हुए बता दें कि नीतीश कुमार के पर जो है केस भी दर्ज हो गया। आपको पता होगा राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा एक्शन लिया। मामला क्या था? मामला ये था कि जो है एक पंचायत की मतदाता सूची में किसी और पंचायत के लोगों का नाम जोड़ दिया गया। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बकायदा नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर के डीएम सहित 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया और ये निर्देश दिया कि जिस प्रखंड के वीडियो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप लिखित प्रमाण दें कि मतदाता सूची जो है वो बिल्कुल पाक और साफ है, उसमें कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। हालांकि इस एक्शन के बाद जो है अधिकारी में हड़कंप मच गया, तो नीतीश कुमार पर भी केस दर्ज कर दिया गया और उन पर यह आरोप लगा कि उनके अधिकारी या नीतीश सरकार जो है, जेडीयू जो है, अधिकारियों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रही है ताकि वो चुनाव जीत सके। तो आप समझिए, इस बार का पंचायत चुनाव अपने आप में अलग होने वाला है। अब आपको बताते हैं, अब आपको इसका अंदेशा लग गया होगा कि इस बार का पंचायत चुनाव सबसे अलग क्यों है। इसके अलावा जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें बताया गया है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होगा और अगले 8 बजे जो है उसकी मतगणना होगी। हालांकि तारीख का ऐलान जो है राज्यपाल जल्द करने वाले हैं। ये जो तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि तमाम गाइडलाइंस जो हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और आने वाले वक्त में जो है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कब से चुनाव होना है। हालांकि मैं आपको बता दें कि जून में जो है ये कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये संविधान की मजबूरी है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि मुखिया या पंचायत चुनाव जो होता है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा लिया जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि मार्च से लेकर 15 जून से पहले तक 9 चरणों में अलग अलग जगह चुनाव होंगे। हालांकि ईवीएम, जो खास बात एक और है कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने वाला है और ईवीएम को लेकर हालांकि मामला जो है राज्य निर्वाचन, यानी बिहार निर्वाचन आयोग और जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके बीच में ठन गई थी, जिसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ, क्योंकि ईवीएम को लेकर जो है एक कंपनी ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है एनओसी लेना था। तो बाकायदा जो बिहार निर्वाचन आयोग है उसने कोर्ट में कहा कि ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी ईवीएम अगर वो डिजाइन करना चाहे तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगाया बिहार निर्वाचन आयोग ने। दिलचस्प बात है, एक सियासी पार्टी है दूसरी सियासी पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन यहां एक निर्वाचन आयोग दूसरे निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रही है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ को ईवीएम के लिए एनओसी दे दिया लेकिन बिहार को नहीं दे रहा है और इस वजह से चुनाव में देरी हो सकती है। हालांकि हम बता दें कि अभी भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि 15 जून से जो है मार्च से लेकर के 15 जून तक 9 चरणों में अलग अलग जगह चुनाव होंगे। और तारीखों के ऐलान की बात रही तो ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, एक और अपडेट है कि एक भ्रांति भी फैली थी कि जिस प्रतिनिधि के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कोई मसला नहीं है, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया था, सिर्फ चर्चाएं चल रही थी। तो ये था पंचायत चुनाव से जुड़ी सारे अपडेट्स, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।